हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर किसी नंबर को हमें कई सारे सेल में एक साथ जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। ये काम हम पेस्ट स्पेशल की मदद से करते हैं। यहाँ पर एक डेटा से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी का कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए बोनस दिया हुआ है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये बोनस जो है ये सैलरी वाली हर सेल में ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब 1200 इसमें ऐड हो जाए, 1200 इसमें, यानी कि हर सेल में 1200 ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बोनस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिस नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए ये सेल जो हमने सेलेक्ट की थी वो कॉपी हो गई। अब हमें क्या करना है, उन सेल को हाईलाइट करना है सिर्फ, यानी कि सेलेक्ट करना है जिन सेल में हम ये नंबर ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि सैलरी वाले पूरे जितने कॉलम था पूरे कॉलम को हम यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ सेलेक्ट करना है, ना कॉपी करना है ना पेस्ट करना है, ध्यान रखिएगा हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब में, ये रहा होम टैब, यहाँ पर हमको जाना है पेस्ट में और पेस्ट के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और वी दबा करके भी आप पेस्ट स्पेशल ओपन कर सकते हैं, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल का ये विंडो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमको एड वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां से ओके बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सब में 1200 ऐड हो गया।